देखिए हमारी 8वीं एक्सरसाइज है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू आनंद मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। तो मे आ रहा है तो ये हमें क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। तो आई आई सेड टू का इसमें चेंज कर देंगे वेस्ट, आनंद दैट यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का अकॉर्डिंग चेंज होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आनंद। आनंद का क्या हो जाएगा, ही। मे को कायम बदल देते हैं माइट में, ही माइट ऑलवेज ऑलवेज बी हैप्पी। बोले सब दूसरा देखो, सी सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। सी सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो वह मेरे लिए क्या कर रही, कामना कर रही, इसलिए हमें क्या लगाए, विज्ड। सी विज्ड कॉमा, ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। सी विज्ड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को उठा के डेट लगा देते हैं। सी विज्ड यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मीमी का क्या होगा, आई माइट, आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ। दूसरा देखो, हमारा तीसरा है, द बेगर सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन योर वेंचर। ये हो जाएगा द बेगर विज्ड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मीमी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई माइट, आई माइट प्रॉस्पर इन योर सेकंड पर्सन का अनुसार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का क्या हो जाएगा, माई वेंचर। चौथा सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू हिज टीचर गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग आ रहा है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, वेस्ट में चेंज कर देंगे। तो ही रेस्पेक्टफुली सर के लिए, रेस्पेक्टफुली सर को रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देंगे, रेस्पेक्टफुली, ही रेस्पेक्टफुली वेस्ड वेस्ड गुड मॉर्निंग he respectfully wished good morning to his teacher। आगे देखो, she said may god bless hari with her son। मे गॉड ब्लेस हरी विदा सन। तो ये गॉड आ रहा है यानी प्रे कर रही है वो, तो क्या सैड वो किसमें बदल देते हैं, प्रेड में बदल देते हैं। सी प्रेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को उठा के दैट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, गॉड। मे को माइट में बदल देते हैं, माइट ब्लेस हरी विद आसन, इंटरजेक्शन के साइन उठा देते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। राम सेड टू हिज फ्रेंड मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो राम अपने मित्र को विश कर रहा है, राम विश्ड
ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं, लगा है वरना चाहो तो लगा दो। राम विज्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड का क्या हो जाएगा, ही मे का क्या हो जाएगा, माइट ही माइट ही माइट लीड अ हैप्पी लाइफ He might lead a happy life. Number 7 देखिए। My sister said to me, may you succeed in your examination. तो my sister wish कर रही है, my sister wished comma inverted comma को उठा के that You यानी I make a might succeed in object your है, तो object के अनुसार object me का वजह से क्या होता है my examination EX है The hermit said, may you all go to hell. तो hermit, you all go to hell. आप सभी नरक में जाएं, तो ये अभिशाप दे रहा है hermit, तो इसलिए इसको कर्ष में बदल देंगे. Hermit, cursed, हमने यह them मान लिया, comma inverted comma को उठा के that लगाएंगे. देम के अनुसार क्या हो जाएगा दे ऑल मे का क्या हो जाएगा माइट दे ऑल माइट गो टू हेल फुल स्टॉप मोहन सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी मोहन Wished comma inverted comma को उठा के that यहां me मान लिया तो हो जाएगा I Mohan wished that I might have a happy journey देखो they said to me many happy returns of the day तो they क्या कर रहे हैं wish कर रहे हैं मुझे they wished me लगाना object लगाना चाहो तो लगा भी सकते हैं they wished me जैसे they wished me many happy returns of the day comma inverted comma को उठा के हमने यहाँ that नहीं लगाया है क्यों नहीं लगाया है क्योंकि यहां हमारे पास सब्जेक्ट था ही नहीं ऑफ द डे दे विज्ड मी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अगर इसको ऐसे करना होता डेट लगाकर तो ये ऐसे करेंगे हम देखो दे विज्ड मी That object हमारा क्या हो जाएगा I यानी me दे रखा है तो I हो जाएगा I might have many happy returns of the day तो इसमें verb नहीं आया था इसीलिए हम उसको ऐसे करेंगे ठीक है आगे देखिए दे सैड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर देखिए दे विज्ड
कामना की जा रही है दैट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आवर प्राइम मिनिस्टर, तो उनके अनुसार क्या हो जाएगा, दे के अनुसार देयर प्राइम मिनिस्टर। Their prime minister might live long. आगे देखो, they said to the couple, happy conjugal life. तो दे विश्ड द कपल हैप्पी कंजुगल लाइफ, दे कामना की जा रही दे विश्ड द कपल हैप्पी, दे विश्ड द कपल हैप्पी कंजुगल रवि सैड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये हो जाएगा रवि इज मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, माई फ्रेंड्स टू मी गुड मॉर्निंग आई एम हैप्पी, तो माई फ्रेंड विज्ड मी, देखो माई फ्रेंड विज्ड मी कि गुड मॉर्निंग आया इसलिए विज्ड लगा दिया, गुड मॉर्निंग डबल हो गई है, माई फ्रेंड विज्ड मी गुड मॉर्निंग एंड अब यहां वाक्यांश असर्टिव एंड सेड दैट, आई का क्या होता है ही, प्रेजेंट एंड बिजा रहे हैं तो वॉज वर्ब बदल देंगे, ही वॉज हैप्पी टू सी यू आर यूज, सेकेंड पर्सन का आएगा ना चेंज होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मी, मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा सी मी, फुल स्टॉप। अगला देखिए, द हर्मिट सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, द हर्मिट मे यू लिव लॉन्ग, द हर्मिट The hermit wished comma inverted comma को उठा के that लगाएंगे, object him भी लगा सकते हैं, लगाना चाहो तो ठीक है, जैसे मैंने भी कहीं लगाया कहीं नहीं लगाया, लगाना जरूरी नहीं है, चाहो तो लगा सकते। The hermit wished him that you second person object के अनुसार object क्या him, him का क्या हो जाए he, मे को माइट में चेंज कर देते, ही माइट लिव लॉन्ग, बेस्ट। अगला देखो, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ही विश्ड मी, लगाना चाहो तो लगा दो, ही विश्ड दैट या मी, ही विश्ड दैट आई, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या मी, मी का क्या हो जाएगा आई, चेंज कर देते माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग,
The son said, good morning, mamma. तो सने अपनी माँ को विश कर रहा है, तो क्या करेंगे, विश लगा देंगे द सन विश्ड, द सन विश्ड गुड मॉर्निंग, द सन विश्ड गुड मॉर्निंग टू मम्मा. The sun wished good morning to mamma, या the sun wished mamma to good morning. Sorry, mamma good morning. She said, may God bless you. So she wished, sorry, यहाँ wished भी लगा सकते हैं. She wished that, she wished that God might bless. यहां मैंने me मान लिया, she wished me object, ठीक है, लिखो या मत लिखो, she wished me that God might bless me. और यहां prayed वाला sense लगाओ तो ये हो जाएगा, she prayed that God might bless. ठीक है, दोनों ही बाकी बिल्कुल सही हैं. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Thank you for watching this video. Have a great day.